मैडम क्या नाम है आपका? मैं शमीम फरजाना, बिलासपुर से। मैडम आप कौन से ट्रेन से आ रही थी, ये बच्चा कहाँ मिला आपको और किस तरीके का आपने फिर पुलिस को सुपुर्द किया? जीआरपी के जो एसएचओ हैं अजय कुमार, आपने यहाँ मिले, क्या बात हुई बताइए। हम दुर्ग निजामुद्दीन करके ट्रेन है, उससे बिलासपुर से चढ़े हम। 72 हमारा बर्थ था S4 में, और हम निजामुद्दीन स्टेशन 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरे। यहाँ पे किसी ने, अज्ञात व्यक्ति ने अपने बच्चे को छोड़ के चले गया, जो 78 नंबर की बर्थ थी, दरवाजे से लगी हुई। हम अपने जब सामान उतार रहे थे तभी अज्ञात बच्चे को देखे और यहाँ पुलिस को सुपुर्द किए, जीआरपी को। मैडम मिली यहाँ पे, जो अधिकारी हैं वो काफी हेल्प किए, दूध दूध ला के। ट्रेन कब चली थी? रात को भी आपने देखा था ऐसे बच्चे को? नहीं नहीं, रात में नहीं देखा गया, ये सुबह जब सारे लोग उतर रहे थे मुसाफिर, तब ये बच्चा छुटा हुआ था। तो हम काफी देर नीचे लेके खड़े हुए थे कि कोई होंगे उनके गार्जियन तो आके ले लेंगे, किसी ने नहीं आया। ट्रेन वापस फिर आगे बढ़ गई, पूरी सारे यात्री यहाँ उतर गए और ट्रेन खाली होके चले गई, तो किसी ने भी नहीं आया। कौन सा स्टेशन है, कौन सा प्लेटफार्म है, बच्चे क्या हाल में? बच्ची सही है, अच्छी पोजीशन है, दूध दूध पिया है बच्चे ने, और हम 8 नंबर प्लेटफार्म में थे जी। अच्छा, क्या लड़का है लड़की है? लड़की है, हमको यहीं पे आके पता चला जीआरपी में कि लड़की है। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? आज के हिसाब से इतनी, मतलब जनरेशन इतना अच्छा है, उसके बाद भी अनपढ़ शिक्षित माँ बाप हैं जो लड़कियों को इतने कचरा समझ के फेंक दे रहे हैं। ये फेंकना ही सर कि कहीं ट्रेन में छोड़ देना, कहीं पे भी छोड़ के चले जाना, अत्याचार करना, ये बच्चियों पे अत्याचार ही है। और इनके अगर पालक मिल जाएं तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस यही रिक्वेस्ट है। यहाँ की जो जीआरपी के स्टाफ है, इन्होंने काफी सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया सर ने, सर का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर ने काफी सपोर्ट किया। एक मैडम भी थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया काफी। आप लोगों ने दूध भी पिलाया बच्चे जी? दूध पिलाया हमने बच्चे को, कपड़ा पिलाया जी। जो आप करते क्या है? मैं बिल्हा, बिलासपुर बिल्हा महिला बाल विकास में परियोजना में, वहाँ पे मेरा ठेका चलता है, बस वो ठेके का काम करती हूँ। रेडीट्यूड का ठेका चलता है, अभी बंद है, फिर उसका काम करती हूँ मैं। और इससे मैं बिलासपुर में भी पॉपुलर हूँ, ये जनसेवा करने के नाम से बस।